जयपुर एयरपोर्ट पर आज से शुरू हो रहा ऑब्जर्वेशन पीरियड, अटानी समूह की टीम का ऑब्जर्वेशन पीरियड यहां शुरू हो रहा है। चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर विष्णु मोहन झा के नेतृत्व में टीम पहुंची है। एयरपोर्ट टर्मिनल वन पर अडानी समूह के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। एयरपोर्ट निदेशक जेएस बलहारा व अथॉरिटी के अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काशीराम, ऑब्जर्वेशन पीरियड आज से शुरू हो रहा है जयपुर एयरपोर्ट पर, क्या कुछ और जानकारी इसे लेकर मिल सके? जी श्वेता, बिल्कुल, देखिए ये निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। जयपुर एयरपोर्ट को अडानी समूह को सौंपा जाना है और 12 अक्टूबर को अडानी समूह ही संचालन करेगा 12 अक्टूबर के बाद से। और इससे पहले आज से 2 महीने का ऑब्जर्वेशन पीरियड शुरू हो रहा है, जिसमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी जो पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर काम करेंगे अडानी समूह के टीम के लोग। और करीब 15 सदस्यीय टीम अडानी समूह की यहाँ पर पहुंची हुई है। और फिलहाल एयरपोर्ट का जो ये कॉन्फ्रेंस रूम है इसके अंदर बैठक जारी है। एयरपोर्ट निदेशक जयदीप सिंह बलहारा मौजूद है, साथ ही जो एटीसी के जो अधिकारी हैं जॉइंट जीएम चरण सिंह उस समय सारे अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और फिलहाल इस बैठक के बाद करीब 1 घंटे की बैठक है और उसके बाद ये डिसीजन होगा कि कौन कौन से जो अडानी की टीम है, अडानी समूह की टीम जो है वो यहां पर ऑब्जर्वेशन में रहेगी, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में काम होता है यहां पर एयरपोर्ट में। और एयरपोर्ट का जो प्रशासनिक काम है जिसमें कि प्रशासन हुआ, अकाउंट्स हुआ, एचआर हुआ ये या कमर्शियल हुआ ये सब विभाग तो है ही, साथ में जो संचालन से जुड़े हुए काम है यानी कि एयरपोर्ट बिल्डिंग का संचालन कैसे करना है, एयरलाइंस के साथ आपको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, या दूसरी एजेंसियां जो इमिग्रेशन है, कस्टम है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, इन सब बातों को समझने के लिए अडानी समूह की टीम यहां पर रहेगी। और अगले 2 माह तक वो एक तरह से ट्रेनिंग लेगी, ऑब्जर्व करेगी चीजों को, एप्रन एरिया में किस तरह से विमान को कहां पर कैसे पार्क कराना है, किस और किस एयरलाइन को किस कौन सा एरिया देना है, कौन से बोर्डिंग गेट से विमानों का संचालन होना है, इन सब चीजों को समझने के लिए अडानी समूह के अधिकारी पहुंच गए हैं। करीब 15 सदस्यीय टीम है जो कि यहां पर रहेगी और अगले 2 महीने बाद जब इनका ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाएगा तो 12 अक्टूबर को अडानी समूह पूरी तरह से एयरपोर्ट का संचालन अपने हाथ में ले लेगा। और उसके बाद जो एयरपोर्ट के अधिकारी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी, उन सभी का एक एक कर तबादला होगा। हालांकि जो कर्मचारी हैं वो अगले 3 साल तक अडानी समूह के साथ ही काम करते रहेंगे, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं जिनमें कि एयरपोर्ट निदेशक हुए या जो दूसरे जॉइंट जीएम या डिप्टी जीएम लेवल के जो अधिकारी हैं उन सभी का एयरपोर्ट से तबादला हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरे कर्मचारी हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के वो अडानी के समूह के साथ काम करते रहेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ जो कि अभी भी सुरक्षा व्यवस्था संभालती है वो एज इट इज काम करती रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था उनके हवाले रहेगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो काम संभालती है एटीसी की जो टीम है या नेविगेशन की जो टीम है वो भी यथावत रहेगी, और बाकी सब जो टीमें हैं वो अडानी समूह ही उनको हैंडल करेगा, उनका ही इस पर नेतृत्व रहेगा। जी बिल्कुल, तो 2 माह का तक एआई के अधिकारियों के साथ रहकर ही ये कार्यप्रणाली समझेंगे। लेकिन काशीराम, 2 महीने का वक्त है, 2 महीने तक पूरा शेड्यूल रहेगा, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में इनकी मौजूदगी रहेगी और उसके बाद 12 अक्टूबर से ही कह सकते हैं कि पूरी तरह से संचालन इन्हीं के जिम्मे हो जाएगा। क्या उसके बाद भी बदलाव होंगे कर्मचारियों को लेकर? जी बिल्कुल, 12 अक्टूबर कमर्शियल ऑपरेशन डेट रखी गई है, 12 अक्टूबर की कमर्शियल ऑपरेशन डेट है, यानी कि 12 अक्टूबर को अडानी समूह एयरपोर्ट का जो संचालन है वो अपने हाथ में ले लेगा, न केवल जयपुर एयरपोर्ट का, साथ में ही जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है और जो तीसरा त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है, ये 3 एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं इनका संचालन अडानी समूह ले लेगा। तो इसके लिए 12 अक्टूबर की डेट फिलहाल तय की गई है और उसके बाद अडानी समूह अपने हिसाब से बदलाव करेगा कि उनको जो उनकी डिपार्टमेंट है उनका जो संचालन है उसमें कौन कौन से अधिकारियों को रखना है, कौन से कर्मचारियों को रखना है, वो सब संचालन का अडानी समूह ही करेगा, उसमें फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई दखल नहीं रहेगा। अडानी समूह की ओर से जो रेट तय की गई थी वो यह थी कि 174 रुपए प्रति यात्री के हिसाब से भुगतान किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और जो अंतरराष्ट्रीय यात्री उनके पेटे 348 रुपए प्रति यात्री का भुगतान किया जाएगा, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक निश्चित राशि दी जाएगी और उसके बाद जो सारा संचालन है वो अडानी समूह के हाथ में रहेगा, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई दखल नहीं होगा, केवल एटीसी और नेविगेशन के जो विभाग उनमें ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी रहेंगे, बाकी सभी विभागों में अडानी समूह का ही संचालन पूरी तरह से रहेगा, जैसा कि पहले से दिल्ली, मुंबई या दूसरे जो प्राइवेट एयरपोर्ट हो चुके हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, उनमें पहले संचालन चल रहा है, उसी तरह की प्रक्रिया जयपुर एयरपोर्ट पर भी अपनाई जाएगी। जी ठीक है, लेकिन काशीराम बिल्कुल कोशिश की जा रही है, पूरी तैयारियां की जा रही है कि जब 12 अक्टूबर से टेक ओवर पूरी तरह से करे तो सब चीजें दुरुस्त हो, लेकिन आम जन किस तरह से इसे ले, इस चेंजेस को, इस बदलाव को किस तरह से ले, क्योंकि कई सवाल जो रेगुलर ट्रेवलर हैं, जो हवाई यात्रा करते हैं उनके जहन में भी उठ रहे हैं।
कितना पॉजिटिव है ये? जी देखिए बिल्कुल, एयरपोर्ट निदेशक मीटिंग सुबह की समाप्त हो चुकी है। एयरपोर्ट निदेशक जयदीप सिंह बलारा मीटिंग से बाहर आ चुके हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। सर, 12 अक्टूबर से कमर्शियल ऑपरेशन डेट आपने रखी है, आज से ऑब्जर्वेशन पीरियड भी शुरू हो रहा है, तो क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं यात्रियों के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ बदलाव? यात्रियों के लिहाज से कभी कोई बदलाव नहीं होगा। अभी जो ये ऑब्जर्वेशन डेट आज आई है, इसमें जो अडानी के अधिकारी 20 के करीब लोग आ गए हैं, तो ये हमारे विभाग टू विभाग, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है अपना ऑब्जर्व करेंगे हमें कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो अडानी जो है सीओडी डेट के बाद जो है पूरा टेक ओवर करेंगे, अभी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देखेगा 2 महीने। आज की जो मीटिंग हुई है सर, उसमें क्या डिस्कशन निकला सर? उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लोग आगे कैसे काम करेंगे, कैसे ऑब्जर्वेशन पीरियड में हम उन लोगों को असिस्ट करेंगे या कोई चीज़ दिखाएंगे। हर एक एचओडी उनके एचआर, जैसे हमारे एचआर हैं, उनसे इंटरेक्ट किया आपस में, और ये लोग फिर अब कंटिन्यूस रखेंगे अपना इंटरेक्शन जो है, एंड देन आफ्टर 2 मंथ्स दे विल टेक ओवर। 12 अक्टूबर की तिथि तय मानी जाए कि अब अडानी समूह वहाँ से यहाँ पर संचालन संभालेगा सर? लगभग तय है। और क्या कुछ बदलाव इस दौरान होंगे सर? उसके बाद तो अडानी से पूछना पड़ेगा आपको क्या बदलाव होंगे। तो जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक जयदीप सिंह बलहरा, उनका कहना है कि 2 महीने बाद जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी यहाँ पर संचालन नहीं संभालेंगे बल्कि अडानी समूह संचालन संभालेगा, तो उसके बाद अडानी समूह ही तय करेगा कि वो यात्रियों के लिए किस तरह के बदलाव होंगे। श्वेता, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी एयरपोर्ट किसी प्राइवेट हाथों में जाता है तो सुविधाओं में जरूर बढ़ोतरी होती है, और चूंकि प्राइवेट ग्रुप की पहली प्राथमिकता यही होती है कि यात्रियों को उनकी पसंद के मुताबिक सुविधा दी जाए, और हालांकि साथ में थोड़ी महंगाई बढ़ने की जरूर आशंका रहती है क्योंकि कई चीज़ों की दरें बढ़ जाती हैं इस दौरान, और अलग अलग तरह के जब सुविधाएं जुड़ती है तो निश्चित रूप से महंगाई की दरें भी बढ़ती हैं, तो वो शुल्क जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन